Hello everyone and welcome back to my channel. It's Bhumika. Hope you're all doing great. So, आज के वीडियो के लिए पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज के वीडियो मैं पेंट करने वाली हूँ वॉल पे. एंड लेट मी टेल यू गाइज, मुझे वॉल पे पेंट करना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है. एज यू कैन सी, मैंने अपने बैकग्राउंड में भी दो पेंटिंग्स बनाई हुई हैं बाय माई सेल्फ. एंड बट मैंने इसकी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी. आज जो मैं पेंट करने वाली हूँ वो है एक सिटी. सो या मैं एक सिटी पेंट करने वाली हूँ वॉल पे. एंड पर्सनली बता रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए. बाय द वे, आर यू गाइस एक्साइटेड? अगर येस देन प्लीज कॉमेंट बिलो. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए एंड आप मेरी वीडियोज को मिस ना करो. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. तो सबसे फर्स्ट ना मैंने तो अपने कपड़े चेंज कर लिए थे यार, क्योंकि मैं ना पेंटिंग करते टाइम बहुत मैस करती थी और मेरे सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली वॉल पे पेंटिंग करते टाइम. तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था एंड पेंटिंग स्टार्ट करने के पहले मैंने पूरा रफ स्केच बनाया था, पूरी आउटलाइंस बनाई थी एंड देन मैंने पेंट किया था यार. सो या यहाँ पर मैं कलरफुल पेंटिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का यूज़ करने वाली हूँ. बाय द वे, दिस इज़ एक्रेलिक कलर. मैं एक्रेलिक कलर से पूरी वॉल को पेंट करूँगी. एंड एज आई मेंशन बिफोर कि मुझे वॉल पे पेंट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. नॉर्मल पेपर पे पेंट करने से भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे वॉल पे पेंट करना. मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मेरे घर की एक भी वॉल ऐसी नहीं है जिस पर मैंने पेंट ना किया हो. सो या मैं इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से ये बना रही थी एंड ये बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. सो बाय द वे गाइस, यू टेल मी कि आपको मेरी प्रोसेस कैसी लग रही है, फटाफट से कमेंट में बता दो यार. मुझे तो मेरी प्रोसेस काफ़ी सही लग रही है एंड मैं बस करते जा रही थी पेंट. जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जो आउटलाइंस बनाई थी, उनको सिंपली पेंट करती जा रही थी एंड आई एम लिटरली इंजॉइंग इट. ओके, सो बाय द वे लेट मी टेल यू गाइस, ये पेंटिंग बनाने में मैंने लिया था 1.5 डे क्योंकि मैं कंटिन्यू बनाती जा रही थी. मतलब 1 डे तो फुल मैंने पेंट किया था, मतलब रेस्ट भी नहीं लिया था. मैं ना इतना खो जाती हूँ पेंट करने में, मुझे किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता है. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि जब आप अपना फेवरेट काम कर रहे हो तो किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता यार, ना भूख लगती है ना कुछ भी लगता है? क्योंकि मेरे साथ तो होता है, स्पेशली जब मैं पेंटिंग कर रही होती हूँ. अगर आपके साथ भी होता है तो फटाफट से बता दो कॉमेंट में. एंड या आगे चल के अगर आपको समझ में आता है कि ये कौन सी सिटी में पेंट कर रही हूँ तो ज़रूर मुझे बताना एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मुझे ना ये सिटी सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी. तो आप भी मुझे ज़रूर से बताना कि कैसी लगी. बाय द वे, आई एम मेकिंग दिस स्टैच्यू. आई थिंक इसके बाद आप लोग को पक्का पता चल जाएगा कि ये कौन सी सिटी मैंने पेंट की है. अगर पता चल गया है ना तो फटाफट से कमेंट में बता दो गाइस. तो या बाय द वे, ये तो मैंने काफ़ी बड़ी पेंटिंग बनाई थी. इसके अलावा मैंने ना घर में बहुत सारी छोटी छोटी पेंटिंग्स भी बनाई है, लाइक जो स्विच बोर्ड होता है ना, स्विच बोर्ड के पास भी पेंटिंग्स करी हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सब करने में. तो या ऑलमोस्ट हमारी ये पेंटिंग कंप्लीट हो ही गई है एंड पर्सनली मुझे ये पेंटिंग ना बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ही ऑसम सी लग रही थी. बाय द वे, आई एम टेलिंग यू, ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने इतनी बड़ी वॉल पेंटिंग ट्राई करी थी. सो या मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है एंड ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.